थैंक यू शादी मैम, यू आर इन्वाइटेड मी बी फॉर हियर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट कॉन्ग्रेचुलेट एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल रेस्पेक्टिव मैम और मैनेजर सर, प्रिंसिपल सर एंड माय डियर कलीग्स। एज यू नो दैट टुडे वी आर गैदर हियर फॉर सेलिब्रेटिंग यू 2nd अक्टूबर। 2nd अक्टूबर मीन्स गांधी जयंती, बट दिस इज नॉट गांधी जयंती, दिस इज वन मोर जयंती, लाल बहादुर शास्त्री। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज कॉल टू गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री जयंती, नॉट ओनली गांधी जयंती। इन दिस ओकेजन आई वांट टू शेयर द सम एक्सपीरियंस ऑफ गांधी जी एंड लाइफ स्टाइल ऑफ गांधी जी। सो स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी इज बॉर्न इन पोरबंदर ऑफ 2nd अक्टूबर 1869 इन ए स्मॉल सिटी पोरबंदर ऑफ गुजरात। आफ्टर कंप्लीट द अर्ली एजुकेशन ऑफ ही वेंट टू द लंदन फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ लॉ इन 1891। After being unable to start a successful law practice in India, Mahatma Gandhi moved to South Africa in 1893. 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका चले गए एंड डू द वॉर स्ट्रगल अबाउट अफ्रीकन्स। उस समय वहां पे एक भेदभाव चला हुआ था, नस्ली भेदभाव, काले और गोरों का। उसको देखते हुए गांधी जी ने वहां की समस्या को देखा और वहां पे आंदोलन किया, जिसको हम नस्ल भेदी आंदोलन के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1950 में गांधी जी वापस आए और यहां आने के बाद ही फाउंड द मैनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू आवर इंडियन सिटीजन्स। After coming back to India, he started organizing farmers and urban laborers to protest against excessive land tax and discrimination by British government. जो अंग्रेजी राज यहाँ पे था, उन्होंने हमारे किसानों पे बहुत जुल्म किए हुए थे, जो लेबर हमारे मजदूर थे उनके बहुत जुल्म किए हुए थे। उनके सहयोग करने के लिए, उनके उन जुल्मों को खत्म करने के लिए गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट किया इन 1921। He formed Indian National Congress and led nationwide campaign for easing poverty, expanding women's rights, building religious and ethnic equity, ending untouchability, and above all the achieving Swaraj or self-rule. 1921 में गांधी जी ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसकी स्थापना की और वहाँ पर नारा दिया स्वराज, और जो हमारी स्त्रियों पे और वुमेन के उस समय की जो औरतें थी उन पर जो अत्याचार किया था उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। गांधी लीड इंडिया जी चैलेंजिंग द ब्रिटिश इम्पोज्ड साल्ट टैक्स विद द डांडी साल्ट मार्च इन 1930। सर ने बताया था कि गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया, जिसको हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, उन्होंने उसके लिए बहुत लंबी यात्रा की। एंड लेटर इज कॉलिंग फॉर द ब्रिटिश टू क्वाइट इंडिया इन 1942। ड्यूरिंग द 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान, गांधी जी हैड मेनी डिस्प्लेड हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स। सम पीपल्स टच गांधी जी वॉज टू अकोमोडेटरी, अमंग देम वॉज नाथुराम गोडसे, हु असैसिनेटेड गांधी ऑन 30 जनवरी 1948 बाय फायरिंग 3 बुलेट्स इनटू हिज चेस्ट। 1947 में जो कुछ हुआ उसके बाद काफी लोग गांधी जी के खिलाफ हुए थे, उनमें से एक नाथुराम गोडसे थे जिन्होंने 1948 को उनकी शादी में की गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी।
Yes, writing break. The lifestyle of Gandhi ji was very simple. He ate simple vegetarian food and undertook long fast as a means of self-purification and political protest. जो गांधी जी थे वो शुभसाकारी थे और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वो एक फास्ट रखते थे, लंबा फास्ट रखते थे और उसका फास्ट रखते थे, व्रत रखते थे अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए भी, अपनी शुद्धि के लिए भी और साथ साथ जो प्रोटेस्ट किया करते थे, आंदोलन किया करते थे उनमें भी उनका बराबर का सहयोग होता था और वहाँ भी वे उस प्रोटेस्ट को स्वास्थ्य को पूरा किया करते थे. ही थॉट लेसन ऑफ अहिंसा नॉन वायलेंस टू मैनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. एक गांधी जी ऐसे थे जिन्होंने इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में आंदोलन चलाया था नॉन वायलेंस, अहिंसा आंदोलन. उन्होंने हमेशा अहिंसा का पालन किया और उसी का पालन करते हुए अंतिम सांस ली. यही बात ये गांधी जी के बारे में अभी लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे थे जिनकी आज भी जयंती थी है, उनके बारे में कहना चाहूँगा. उन्होंने हमें एक नारा दिया, जय जवान जय किसान. लाल बहादुर शास्त्री ऑलवेज सेड दैट इफ यू वांट टू कंप्लीट योर कंट्री, यू वांट टू कंप्लीट योर वर्ल्ड, देन यू विल डिपेंड ऑनली टू पीपल. फर्स्ट इज सोल्जर एंड सेकेंड इज फार्मर. अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अपने देश को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ दो लोगों के उत्थान के लिए सोचना चाहिए, एक किसान के लिए और दूसरे जवान के लिए, जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है और दूसरा हमें पोषण करने के लिए आहार प्रदान करता है. सो इसी चीज को आगे रखते हुए उन्होंने नारा दिया हमें जय जवान जय किसान, जो आज भी माना जाता है, उसका सब पालन करते हैं और उनको बढ़ाने के लिए हमारी सरकार भी कुछ वर्क करती है और हमें भी चाहिए कि हम उनको हमेशा आगे रखें और उनकी हर तरह से सेल्फ करें. थैंक यू एंड हैव